बात कहकर जाता हूँ, अगर एक जरूर खट्टर साहब और मोदी जी उनकी सरकारों में रहा तो उस दिन दूर नहीं जब 90 दिन के बाद चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी बाहर होगी और कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी, फिर क्या करेंगे। और अधिकारियों को हरियाणा में दो धड़ों में बटी कांग्रेस अब कुलदीप बिश्नोई के पक्ष में एक होती नजर आई। भारी तादाद में कांग्रेसी नेता बीजेपी और मनोहर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए रामलीला मैदान में जुटे। कुलदीप बिश्नोई के आवास पर आयकर विभाग की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने हिसार में विरोध प्रदर्शन किया। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मनोहर सरकार को घोटालों की सरकार करार दिया। ये मजदूर जो रामलीला ग्राउंड है, हिसार का इस बात का गवाह, अनेकों बार कांग्रेस की सरकार आई, अनेकों बार गई, हमने किसी के साथ ज्यादती नहीं की अपने विरोधी के साथ, और इसीलिए लोगों ने बार 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 कांग्रेस पार्टी को चुना। रणदीप भाई, द्वारका भाई, हम आपको सारे साथी मिलकर केवल एक बात कहने आए, पूरी कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी, पूरी कांग्रेस पार्टी जो है वो भाई कुलदीप बिश्नोई उनके परिवार के साथ खड़ी। जिस प्रकार का निंदनीय और जिस प्रकार का नाकाबिले माफी कृत्य मोदी जी और खट्टर साहब ने किया, उसके लिए उन्हें परमात्मा माफ नहीं करेगा। जो चर्चा है वो ईडी में गया था, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल प्लॉट है पंचकुला के उसके बारे में जांच चल रही है, तो मैं अपना बयान दर्ज कराने गया था, अपनी स्टेटमेंट देने गया था, इससे फालतू और कोई बात नहीं थी। वहीं इस पूरी कार्रवाई पर बीजेपी का कहना है कि जो गलत नहीं है उसे जांच से डरने की जरूरत नहीं, सच्चाई सबके सामने आएगी। नहीं, ये तो वो सरकार का काम है कि अगर कोई उनको फीडबैक मिली है तो उस पर कार्रवाई करना। आखिर सारा देश ये तो जानना चाहता है कि भजनलाल इतना अमीर कैसे बन गया। आपको बता दें कि कुलदीप बिश्नोई के घर इनकम टैक्स की रेड जब पड़ी तब इस खबर के बाद कांग्रेस का कोई बड़ा नेता सामने नहीं आया, सिर्फ रणदीप सुरजेवाला का ट्विटर पर बयान आया। बाकी सभी कांग्रेसी नेता सोशल मीडिया के जरिए ही इस कार्रवाई को राजनीतिक करार दे रहे थे। कुलदीप के समर्थक और परिवार के लोग जहां इसे बीजेपी सरकार के इशारे पर करवाई गई कार्रवाई बता रहे थे, वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष समेत बड़े नेताओं की चुप्पी ने कुलदीप बिश्नोई को अपनों में ही पराया कर दिया। R9 TV के लिए हिसार से रुद्रा राजेश कुंडू की रिपोर्ट।